तो गाइस अब इसका हम लोग अंदर जा रहे हैं। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी दिवाकर से मिलने जा रहे हैं, मतलब हम विक्टोरिया जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे दिवाकर से मिलेंगे, दिवाकर हम एक साथ जाएंगे। तो गाइस अब सोहा बाजार आ गया, यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। तो ये दिवाकर भाई देखे होंगे ब्लॉग में बहुत सारा है। हाँ बहुत दिन बाद आया अमित का ब्लॉग, क्योंकि आजकल ना पता नहीं कहाँ रहता आधा दिन इसका। नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है भाई। चलो तो गाइस दिखाते हैं मेट्रो के अंदर, वीडियो करना अलाउ नहीं है, फिर भी कर लूँगा छुप छुप के, दिक्कत नहीं। अभी हम लोग टाटा बिल्डिंग में काम, तो हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया, मेट्रो से उतर गए। तो गाइस उतर गए हम लोग मेट्रो से, और यहाँ से वॉक करके शायद 5 या 7 मिनट है। चलो दिखाते हैं कैसा है, हम तो बाहर के आज तक अंदर नहीं गए, देखते हैं क्या सीन है, चलते हैं, बने रहो, जाना मत। तो गाइस हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे विक्टोरिया के उधर, तो एक मिला है राइस पे जो नेम लिखता है दुकान, एक छोटा सा ही दुकान है बट देखो क्या काम है, क्रिएटिव बहुत। नाम क्या है? रेहान। रेहान तो भाई कब से लगाते हो तुम दुकान यहाँ? भाई मेरा 5-10 साल पुराना दुकान। 10 साल मतलब प्राइस पे कुछ नाम आप लिख के देते हो? पहले मेरा बड़ा भाई था। अच्छा अभी मैं। अच्छा वो अभी छोड़ दिया भाई। क्या क्या लिखा हुआ इसमें कुछ बता सकते हो आप? कुछ से दिखा दो, मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत तो लिखा हुआ, बहुत सारा है। मतलब आप मतलब जो भी नाम चाहे वैसा आप लिख के कुछ भी लिख देते हो? ऐसा भी नाम बोलेगा मैं लिख दूंगा ना। अच्छा कितना टाइम लगता है मतलब एक नेम लिखने में? छोटा सा 1 से 2 मिनट में बना देंगे। देखो गाइस कितना अच्छा बनाया बंदा लग। कितना का प्राइसिंग लेते हैं ऐसा? 40 का भाई, ये गुलाब फूल है। मतलब कितना प्राइस इसका एक का मिनिमम? एक का 40 रुपये। इसमें 2 नेम भी होगा देखिए। अच्छा अच्छा, अच्छा। गर्लफ्रेंड का अपना नाम लिखवा सकता है। मतलब हाँ मतलब काफी सही चीज है, कोई अगर मतलब कोई अच्छा है 2 नेम लिखाना चाहता है 2 नेम पे 60, 1 नेम पे 40। ये बस टाटा स्टील बिल्डिंग के पास ही दुकान है, करवा सकते हो, बहुत लोग आना चाहते हो तो। हम लोग विक्टोरिया अंदर जा रहे हैं और हम लोग सॉल्ट लेक में रहते हैं। अच्छा लगा ये दुकान देखा, काफी अच्छा, हम लोग कभी बनाएंगे। चलो भाई भाई ठीक है ब्रो, मिलते हैं। बाय बाय। ओ भाई क्या क्यूट लग रहा है ना, देखो गाइस एक घोड़ा मिला है, बच्चा भी है उसका। देखो घोड़ा उसका बच्चा छोटा सा। तो गाइस हम लोग मेन गेट के पास आ गए, एक नंबर गेट। यो अभी घुसते हैं इसके अंदर जाएंगे। वाह तो गाइस हम लोग इसके अंदर आए हैं, अब देखो क्या सीन होता है। यस सर। तो दिवाकर क्या लग रहा है तुमको, ऐसा तुम बना पाएगा? भाई ऐसा बनाना तो मेरा भाई बचपन का इच्छा है कि इसी को खरीद लूं, पर वो तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि औकात ही नहीं हम लोग का भाई ऐसा, पर बनाना इम्पॉसिबल है। कॉपी मतलब देख हाँ भाई कुछ हद तक कर सकता है, बट विक्टोरिया का कॉपी कोई नहीं कर सकता, पूरा कॉपी नहीं कर सकता। और अमित भाई कैसा लग रहा है भाई, क्या सिनेरियो है, गजब बना। चलो देख के आते हैं थोड़ा और क्लोज से, इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं नहीं इसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब आगे तक तो जा सकते हैं। हाँ मतलब ये पूरा ऐसे दिखा सकते हैं इसको, अंदर में बंद है क्या? वाओ इस जगह पे हम तो जा रहे हैं, देखो कैसा लगता है, मतलब इसका अंदर तो नहीं जाने देते बस देखते हैं। इधर एक लेक वगैरह है, उसमें भी बाद में एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा देर बाद।
रहा हूँ, अगर आप कोलकाता से बाहर रहते हो तो कोलकाता में जब आते हो एक बार चेकआउट जरूर करो, बहुत काफ़ी अच्छा बना है। लाइक यहाँ पे मतलब एक रानी इसमें रहता था, सुना है हम क्वीन विक्टोरिया का पैलेस था पहले, जब फिर फ्रीडम आ गया तो ये पैलेस दे दिया गया इंडिया को। काफ़ी अच्छा बनाया, लाइक देखो तोप ओप रखा हुआ है सामने में, तोप है ना भाई? हाँ हाँ, रानी तोप रखे रखती थी। क्या बड़ा बनाया यार उससे, पूरा रूम है पता है ना। हाँ इसके अंदर रूम है, पहले सुना इसके अंदर जाने देता था। यो गाइस तोप रखा हुआ है, पहले तो जाने देता था बट अभी कोविड के लिए बंद करके रखा है। सुना इसके अंदर जाना है अलाउ, बट मंडे को बंद, मंडे को क्लोज रहता है लिखा हुआ है, और हम लोग लकीली मंडे को ही आ गए तो हम लोग को पता नहीं था। कोई ना फिर भी देखते हैं, और इसका पीछे का बैक का व्यू देखते हैं क्या क्या चल रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है ना। एक्सपो क्योंकि जहाँ स्विमिंग पूल पर बंद क्यों कर दिया, मतलब इतना गंदा था पानी में नहाता था ऐसा मेरे को नहीं लग रहा रानी इसका अंदर। ओ ये साइड का व्यू देख खाली भाई, चलो पीछे पहले चलते हैं लेक कर फिर उसके बाद पूरा विक्टोरिया का देख लेते हैं ना, मतलब सारे एंगल से। अच्छा ठीक है वो भी सही है। हां मतलब गाइस पूरा एंगल से एक बार देख लेते घूम के, और फिर लेक पे चलेंगे अपन। बहुत हार्ड एंट्री उधर से एग्जिट। हाँ अच्छा, हमको भी लग रहा सिर्फ बीच में ऐसे कुछ रास्ता होगा। हाँ हाँ बीच में ही रास्ता है। अच्छा ये पीछे से भी निकलने की जगह है क्या? हाँ हाँ, तो लेक में चलेगा पानी की जगह पे देखते हैं एक बार, देखते हैं देख के आते हैं एक बार। और ये बिल्डिंग तो देखना हो गया ऑलमोस्ट, क्या ब्यूटीफुल बना है भाई, काश एक दिन रहने का मिलता। सही में यार, एक दिन का स्टे भी लाइफ टाइम याद रहेगा यहाँ पे। अच्छा ले गए भाई, इसमें क्या मछली यार, रानी का नौकर लोग नहाता था। तो गाइस लेक के पास में बैठे हैं, मतलब लाइक बस बैठे हैं, थोड़ा थक गए थे। पीछे विक्टोरिया भी दिख रहा है, मस्त लग रहा है व्यू एकदम हार्डकोर। कुछ ऐसा खास नहीं, खाली जो है भाई इसी के ऊपर चलता है वही, मतलब यही मतलब महल है और आसपास में थोड़ा लेक एंड गार्डन्स वही सब है, बस देखने का ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली, बट वही है मतलब इतना पहले भी क्या आर्ट बनता था, मतलब इतना अच्छा, मतलब 100 साल तो हो गया होगा आराम से पहले बना है। और यहाँ मछलीबाजी भी बहुत चलता है। वो तो सब जगह ही चलता है, गोंडा लोग है गाइस। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, यस भाई मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। तो अभी जैसे हम लोग निकल रहे हैं, बस एक जो पीछे वाला रास्ता, मतलब पीछे वाला जो जगह है उस जगह पे हम लोग दिखाते हैं क्या हो रहा है। लेक था और एक बड़ा लेक, बड़ा लेक है तो उसका हम दिखाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। तो निकलते हैं हम लोग, थोड़ा और देख लो।
ज्यादा ही इधर सीन है बस आओ और सामने से घूम के चला जाओ, आओ और देखो जो देखने आए हो पीछे मत आना भूल जाओ ये मजाक करता आ सकते नहीं, नहीं बिल्कुल पूरा एक्सप्लोर करके जाना भाई लोग बट सिर्फ कपल लोग और मजा आया काफी अच्छा लगा मेरे को लाइक हम बाहर अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मंडे को क्लोज रहता है मतलब थोड़ा सा अनलकी और भी हो गया हम लोग बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो चलो निकलते हैं फिर और बस विक्टोरिया मेमोरियल को बाय बाय करने का टाइम आ गया है अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना शेयर कर देना आओ चेकआउट जरूर करो यार चैनल भी और विक्टोरिया मेमोरियल भी क्या बोलते हैं और दिवाकर भी रैप ला रहा है कुछ दिन रुक जाओ सबर करो मिलते हैं पीस आउट गाइस हम लोग गेट से बाहर निकल रहे थे तो एक कुछ देखने का मिला है तो दिखाते हैं कैसा लगे बता देखो पैसा मांग रहे बच्चे लोग पाँव पकड़ के मांग रहे छोड़ ही नहीं रहे दीदी छोड़ नहीं रहे क्या आपको लोग क्या कर देखो क्या कर रहा है बच्चा इसका पैर पकड़ा हुआ है छोड़ नहीं रहा है पैसा लेकर छोड़ो पैर छोड़ो क्यों देखो पूरा मेरे को फुटानी इतना मतलब बदमाशी हो रहा है बच्चा लोग का पूरा ये भीख मांगने का टेक्निक है मतलब पैर लॉक कर देगा ऐसे तो पैसा तो देना पड़ेगा हम लोग देखो एमएमए में पैर लॉक करते थे यहाँ पे देखो रोड पे पैर लॉक करके चल रहा है बंदा लोग पैसा के लिए हमको ऊपर से हम लोग वीडियो बना रहे बोल रहा है कि तुम पैसा दे दो पैर छोड़ देंगे ओ भाई क्या क्या सीन है चलो गाइस तुम चलते हैं निकल रहे हैं मिलते हैं तो छोटा सा सीन दिख गया इसीलिए अपडेट कर दिया बस हम लोग